सजनों ते मित्रों पंजाबी बैठक दे एक होर बैठक दे नाल तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। मैं तुहाडी दोस्त ते होस्ट शुगुप्ता गिम्मी लोधी। लेकिन अज दी साडी बैठक एक नवी किस्म दी और एक बड़ी नवेकली जिही बैठक है, क्योंकि तुसीं देख रहे हो कि मेहमान ते साडे नाल जिहड़े है ने उहनां नाल तुहाडी असीं मुलाकात करावांगे। और लेकिन इत्थे तीन बंदे बैठे ने जिहड़े अज दे इस बैठक नूं लै के अगे चलणगे। मैं, मेरे नाल बैठे ने आमिर रजा साहब और एक बड़ा मशहूर नाम, और तुसी इन्हां दा ऑलरेडी इंटरव्यू भी देख चुके हो। उन्हां दे नाल अफजल सार साहब बैठे ने, तुसी जानते हो पंजाबी शायर ने। और साढ़े अज दी इस बैठक दे परौने ने जनाब काशिफ निसार साहब। उन्हां दा नाम ही काफ़ी है, तुसी जानते हो बहुत वड्डे डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर की बड़ा कुछ उन्होंने क्रैडिट ने। बहुत सारे ड्रामे और एक पंजाबी फिल्म भी बना रहे ने, ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं। असी तीन का पैनल उन्होंने नाल गलबात करांगे और तुसी ये सारी गलबात सुनो। जनाब तानू मैं जी आया नू कहनी हूँ सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी तुसी टाइम कढ़िया। इन्ना तुहाडा टाइट स्केड्यूल, असी तीन बंदे ताड़े कोलो बहुत सारियां गल्लां कढ़वाना चाहते हैं, तो तुहानू मैं वेलकम करनी है। तो मैं अपने वो आमिर नू कहांगी कि आमिर तुसी भी जरा गलबात शुरू करो। मेरे लिए औखा लगा, काशिफ निसार साहब दुनिया की काशिफ साहब ने मेरे लिए भाजी ने, जिन्होंने सानू उंगली फड़ के चलना सिखाया। मैं इन्हें दी बच्ची वैसे भी भाजी हूँ, मैं भाजी तुसी जी सब लाई भाजी हो, भाजी नहीं तुसी हूँ मतलब माशाल्लाह जवान ते तंदुरुस्त बड़े ठीक ठाक हो। भाजी का कहने का मतलब है कि तुहाडा कम और तुहाडी जिहड़ी आ ओह दिलां च इज्जत पैदा करदा है। मैं ते एक गल अगे चलेगी ते फिर मैं रांझा रांझे दी गल करांगी। स्टार्ट मतलब असीं भाजी दा बैकग्राउंड जिहड़ा हैगा ओह पंजाबी आ, ठीक है। ते पंजाबी आर्ट और कल्चर भाजी पब्लिक स्पेस दे विचों काफ़ी हुण खत्म हुंदा जा रहा है, की इहदी वजह? इतनी बड़ी आबादी और बहुत घट ओह कोई टाइम खास तौर ते पाकिस्तान दे विच। जो जो मन समझ आई वो है कि जो साड़ी पंजाब की जो रूलिंग एलीट सी उहदा बहुत हिस्सा सी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने जो आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करके जो शायद खास हल्के नूं सूट करता सी उहदी वजह नाल। क्योंकि मैं, मेरा ननिहाल इत्थों दा है लेकिन ददियाल मेरा बलूचिस्तान दा है, मैं कोयटा तो मेरा ताल्लुक है। तो मैं कभी किसी पठान नूं दूजे पठान नाल उर्दू नहीं बोलते वेख्या। बलोच ईवन मतलब बलोच जरनैल नूं मैं बलोच सिपाही दे नाल बलोच ही बिल्कुल बलोच ही बोल। सो साडे हाँ कॉम्प्लैक्स एक पैदा होया और मन नहीं लगता कि जो साड़ी पंजाबी रूलिंग एलीट है उन्हें रजिस्ट नहीं किया बल्कि सरेंडर किया, शायद उन्होंने सूट करता सी इस तरह का सेटअप सूट करता सी। पिछे की तवारीख भी ऐसी है ना कि अंग्रेज ने भी एक रोल प्ले किया है जुबान खोण से, इतने के लोगों को गए पंजाबी करण से, जिसने पार्टीशन तो पहले इतने का जरा वाला जेन है वह भावें मंटो है, भावें फैज है, तो भावें राजेंद्र सिंह बेदी है, तो भावें उपेंद्र नाथ हशक है, भावें किसी भी धर्म का है, वो सारे उर्दू लिख रहे हैं। बाबियों तो बाद ख्वाजा फरीद और मियां मोहम्मद बख्श तो बाद थिएटर जरा पैरल थिएटर है वो राजधारियों वाला तो चलो चलता रहा है रवायती जरा सब, पर फिल्म ने बड़ा रोज भी देखा पंजाबी फिल्म ने और बड़ा बड़ी उत्ते रही है। जिमें असी बारी स्टूडियो बैठे हाँ कहते हैं कि फिल्म की कमाई है दुल्हा पट्टी की, दुल्हा पट्टी फिल्म है एवरन्यू बन गया। मतलब इन्ना बिजनेस उस वेले भी सरमायादार की भी वेख रहे थे कि लोकेल खलकत जी है साढ़े को जरा ऑडियंस है जो लोग ने वह इन्नी तादाद च ने तो उन्होंने बोली च पंजाबी फिल्म बड़ा रोज चल रहा। 70s ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਰਫੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਨਾਲ ਈਵਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ
ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਨਲੈਸ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ? ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਰਦੂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ 12 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੇਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਗੁਲੇ ਰਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਡਬ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੀਜਨਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਦ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਂਗਨ ਟੇੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਂਗਨ ਟੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੱਥ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੋਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੋਮੈਂਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਮਨ ਬਹੁਤ, ਮਨ ਗਲੀਆਂ ਵੀ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮੈਂਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੜ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਮੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਰਾਈਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਉਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਉਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਰਾਮੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਢਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਫਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਜ਼ਾ ਇਫਤਖਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀ,
एक अरसे तो असी लभदे फिर रहे सी, मतलब कि कहानी रांझा रांझा दे विच ऐसी कि जो साडे प्रोटैगनिस्ट सी ना वो मूव कर रहे सन, इसलिए वो कहानी चलती हुई नज़र आ रही सी। तां तो होया है कि कहानी नूं बहुत कन्फाइन कर दिता इन्होंने एक कार दे विच, चार दीवारी दे विच, कहानी खिड़की तो बाहर वेखदी नहीं है, जो बाहर जाएगी नहीं, नवे लोग मिलेंगे नहीं, तो कहानियां कितों मिलेंगे। रांझा रांझा दे विच आई सी कि जर्नी सी दो लोगों की, वो कारों निकलते सन, वो जो कारों निकलते सन फिर कहानी बनती सी ना, मेरी जो प्रैगनेंसी इकरा ने जो करैक्टर किया उसकी पूरी जर्नी है, कितों चली है, कितने पहुंची है। इसलिए जो करैक्टर चल रहे होंगे साढ़े यहाँ मोस्टली ये करते हैं कि यार कैमरा भी तो अद्धे समय किरदार खिलार दो, तेरे को आई लोकेशन है इतनी करना जो करना। वो मैं किया कि करैक्टर जिते जा रहे थे कैमरा वो पिछे टोर देता, इसलिए अगर रांझा रांझा वेख के थोड़ी जी फ्रैशनैस महसूस होती है, वो उस प्लॉट का कमाल है। और ओबियसली उसकी करैक्टराइजेशन जिस तरह उन्हें की हुई सी, दूजा है कि उन्हें उन्हें भी थोड़ा जहा स्टीरियोटाइप तोड़न की कोशिश की सी कि जरूरी नहीं कि हीरो गोरा चिट्टा ते सोना ते नीली जैकेट ते सफेद शर्ट, वो जो साडा डाइजेस्ट करैक्टर है जिसके सीने के बाल नज़र आ रहे, कुड़ी वेख के उन्होंने उठी टैप पी नहीं सी, वो साडा प्रोटैगनिस्ट आम ज आम शुक्ल सूरत का ईवन मैंटली स्टेबल करैक्टर नहीं सी, वो जो जिदी मैं कहानी सुना रही थी, इसलिए मैं खैर शायद लोगों को लड़ गया या भाग गया कि आउट ऑफ द बॉक्स एक नई कहानी सी, लोग थक गए ना सुन सुन के, वही तीन चार तीन प्लॉट के उत्ते पूरा वो बनाते जाओ पूरी कॉलोनी, तो फिर वो एक जो लगता है ना सर। तो अद्दे विच फायजा ने, फायजा अगर मैं इतनी गुंजाइश ना देती, अगर पेपर के उत्ते ना आया होंगे, किरदार इतने अच्छे ना तराशे गए होंगे, तो पॉसिबल नहीं सी। सो टू मी रांझा, और दूजी फायजा का बड़ा क्रेडिट है, दूसरा फिर आर्टिस्ट की बड़ी ऑनरशिप, एक जंग है ना साढ़े हाँ, मतलब मेरी हमेशा कोशिश रही कि आम लोगों की कहानी सुनाई जाए, साढ़े हीरो मन नहीं लगते, अपने ही नहीं लगते, पता नहीं कौन लोगों में प्यारी गल की थी, बहुत बहुत दिलचस्प गल है, क्योंकि नॉर्मली डायरेक्टर्स लभदे ने वो ट्रायंगल है, लव लव, एक मुंडा दो कुड़ियां, दो मुंडे एक कुड़ी, तुहाडे जिहड़े ने तुहाडे हीरोज जिहड़े ने वो रियल कैरेक्टर ने, साडे आम लोग ने, लुकाई वाले जिन्हां लोकां नाल तुसीं कनैक्ट कर सकते हो या कुछ है, वो नहीं है कि बिल्कुल हाँ चॉकलेट नहीं सी। और दूजा ऐसी कि एक अरसा हो गया मैंने फील होता है कि जो जो साढ़े यहाँ बहुत अच्छा अच्छा कैरेक्टर एक्टर पैदा किया, वो स्टार नहीं बन पाना, वो उत्थे मर जाना, टिपिकल कैरेक्टर्स कर करके वो इंपॉर्टेंट नहीं होने, इंपॉर्टेंट फेम को बन जाता है, वो दे विच रह जाता है, यस, और वही फेम लिखा जाता है, ये फेम है, उन्होंने दूसरा कैरेक्टर नहीं मिल रहा, यस, लवाजो दी सिद्धि की 15 दिन का कैरेक्टर कर रहा है, हर कैरेक्टर उठा देता है, पता लगता है कि भी किस तरह की कितनी डाइवर्सिटी है। बिल्कुल, इमरान अशरफ जोशी वो सब के अंदर बड़ा अच्छा एक्टर, लेकिन वो कभी कुड़ी का भरा है, वो कभी हीरोइन का मंगेतर है, उन्होंने कोई ऐसा करैक्टर नहीं दिता जाता सी, हाँ जिद कहानी नहीं दी जाती, वो किसी की कहानी का एक छोटा जहा पोर्शन होता है, किसी सोहने मुंडे का, किसी सोहनी कुड़ी का, एक कन्वेंशनल साडा आम शक्लो सूरत का बंदा जड़ा, वो मन जो हासिल वसूल लगता है रांझा रांझा का, वो है कि अज इमरान अशरफ जो है उस लीग के आके खलो गया, एक एज ए करैक्टर एक्टर वो साडा स्टार हो गया, साडा हीरो हो गया, तो मन रांझा रांझा का हासिल वसूल तो मना ही लगता है। एक बड़ा भाजी ड्रामे उत्ते कमेंट यह आता वा कि सोशल इशूज बहुत टच करते हो, डरसी जाति हैरेसमेंट से रांझा रांझा कर दी, वो अपना एक सोशल कमेंट है कि एक लड़की एक मार्जनलाइज कम्यूनिटी तो निकल के आती जो हाशिए तो बाहर ने और वो आके मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनती है, सिलेक्शन तुसी खुद करते हो? नॉट ऑलवेज, समटाइम्स जिस डर जाती है सिला प्योरली बीगल्स आइडिया, मतलब मेरा बहुत ही कम हिस्सा, मैंने स्क्रिप्ट मिलिया सी, तैयार मिलिया सी, समटाइम्स मेरी कोशिश यह होंगी है ऑलवेज कि यार जो टैलीविजन है ना वो साढ़े कारां च पहुँच जाए, ड्राइंग रूम कमरे के
और एंटरटेनमेंट के जराए असी माशाल्लाह ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल ही। तो अगर तुसी नैरेटिव बिल्डिंग वास्ते बकवास किस्म के नैरेटिव वास्ते इस्तेमाल करना उही हो रहा है ना 70 साल तो कार्च पहुँचो है दे थ्रू जिहड़ी तुसी गल करनी कर रहे हो तो मतलब टू मी टेलीविजन इज नेक्स्ट टू रिलीजन इन पाकिस्तान ना इतना इन्फ्लुएंस है जी बिल्कुल। तो अगर यह मीडियम है वह तुसी एंटरटेन भी करना है तो ये इशू नू मिक्स कर देना चाहिए इसी तरह तुसी कोई काउंटर नैरेटिव कोई नई गल कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई इशू अगर लैके कारण किस तरह पहुँचोगे इस तरह ही पहुँच। मेरी कोशिश होंगी है कि साड़ी जैसी सोसाइटीज़ प्योरली एंटरटेन प्योर एंटरटेनमेंट अफोर्ड ही नहीं कर रही है तो अगर जरिया बनता वै ये थ्रू अंदर उन्होंने घर तक पहुँचन का उन्होंने गल कर टेलीविजन कार च है लाउंज लगा है बैडरूम च लगा है तो जो तुसी कहना चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत कोई तो कोई पिक करेगा ना किसी दे ते इसलिए मेरी कोशिश होंगी कि कोई ना कोई गल कह दी जाए। काशफ भाई दी फिल्म आशा एक उम्मीद पीटीवी ने कोई ये उत्ते काफ़ी टाइम लिया संस्कृति करन ते और बीबीसी उदी भी स्टोरी सी कि इन्होंने लगता कि स्टेट अपना बयानिया जिहड़ा हैगा रिवर्स करन दे मूड विच आई मतलब फिल्म एड्डी पावरफुल सी तो लेकिन भाजी मिनोरिटीज़ एक ही दफ़ा नज़र आते हैं सानू और खास तौर पर खास खास दिनों के उत्ते साडा टीवी क्यों मिनोरिटीज़ के करैक्टर्स नू मेन स्ट्रीम दे विच नहीं गुंदा है यार मिनोरिटी मैं कह रहा ऐसे ही रो रहे हैं कि पंजाबी दा अद्धा घंटा नहीं भाई साहब बिल्कुल सही पहले अपनी माँ बोली नू रोने पे जो मेजॉरिटी है इस मुल्क की उन्हों नहीं लगता पिया तो मिनोरिटीज़ ते तो जिक्र ही नहीं मतलब कंसिडरेशन च ही नहीं है मतलब वो सोचता ही नहीं कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये जहर थोड़ा थोड़ा किसी ने तो पहला कतरा बढ़ना है ना किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है ना और फिर ये देखिए असी बड़े संभल संभल के पैर चुके जाने ने कोई भी कोई बोल्ड गल कोई हकीकी गल कोई सच्ची गल करने वाले तो उंज भी थोड़े थोड़े ने तो उंज करन दित्ती भी नहीं जाती इंज दे भी हालात ने की तरीके तेरे नज़दीक ऐसे डायरेक्टर तुसी देखते हो रीजनरी परसन के कोई इस तरह के की तरीके ने कि असी हौली हौली कोई लोगों को हकीकत और सच्चाई की कबूलियत वाल ले जा सकी आर्ट के थ्रू जितना जितना कंट्रोल है स्टेट का मतलब स्टेट साढ़े वॉशरूम तक तो बढ़िया हुआ ठीक है ना असी जो भी कोशिश कर सकते अक्सर मैं आमिर नाल भी डिस्कस कर रहे हैं आमिर दा बागी बार आता है कल ही रात मैं कह रहा सी आमिर ने एक सिचुएशन मैं डिस्कस की मैं कितने चलानी हूँ बना के दोनों वेख लेने अगर अनू ऑन एयर जाना है तो फिर लपेट के करेंगे ना या कि दरमियान च रख के गल करेंगे ना कि मतलब अन्नी जोगी होए कि ऑन एयर होवे कार तक पहुँचे वरना तो असी रोज़ ही बहुत वाइल्ड सोच रहे जो मर्जी कर लिए इस कमरे च बह के जिन्नी मर्जी गुफ्तगू कर ली है लोगों तक तो नहीं पहुँचे। अच्छा हूँ वाइंड अप कर रहे हो शूट से जाना दोबारा फ्यूचर प्लान की देख रहे हो फ्यूचर प्लान और खास तौर पे जरा पंजाबी फिल्म हाँ जी वही है फ्यूचर प्लान पंजाबी फिल्म ही है जी थोड़ा थोड़ा सा कर्ज उतारी है पंजाबी दा भी दी कोशिश कर रहे दिल खुश कर दे कि वेट ख्याल बनया इधर पीछे की और किनिया पंजाब च ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮ ਹਾਓ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਾਇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਨੇ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਓ ਟੀ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੀ ਫਾਈਵ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ